मैं जो गाइस आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो यहाँ पे गाइस उन्होंने ऐसा लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन और डिजिटल गेम्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे आर नॉट इंडियन इन कॉन्सेप्ट। यू ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी गेम्स इन दिस आइदर प्रमोट्स वायलेंस और कॉज मेंटल स्ट्रेस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड मैं बस गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एप्स भी है। अभी एप्स के अंडर कैटेगरी में ऐसे एप्स आते हैं जैसे कि गेम्स खेलो पैसे कमाओ। अरे क्या चुतिया क्या होता है यार, सच्ची में मेरा दिमाग हट जाता है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है वगैरह, तो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए मेंटल स्ट्रेस गेम से बढ़ता नहीं है, उल्टा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। आई मीन सीरियसली कह रहा हूँ, मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ या फिर एक लाइफ में आता है यार, मतलब कुछ आपको दिन में ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, बहुत बहुत डिप्रेस हो जाते हो, बहुत डाउन फील हो जाते हो, तो उस टाइम जो है मैं पर्सनली पीसी ऑन करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, दैट्स इट। सो फॉर मी गाइस गेम्स आर नॉट अ मेंटल स्ट्रेस, दोज आर मेंटल रिलीफ। बात तो सही है। नहीं What is going on, everybody? Welcome back guys to the channel. And ये वीडियो में जो है guys, हम बात करने वाले related about the recent tweet from the नरेंद्र मोदी जी, जो की है गेम के related ऊपर। And ये जो tweet है guys, बहुत बहुत फिलहाल फैल रही है, क्योंकि ये जो है guys, कल उन्होंने tweet किया I think 12 PM को। And इस tweet में guys, indirectly जो है video games के ऊपर जो है focus किया जा रहा है। And देखो guys, video games के ऊपर target किया जा रहा है। And इसमें जो है guys, specific किसी game का नाम लिया नहीं गया है, लेकिन हम सबको पता है ये indirect किसको रेफर हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली गाइस एक ही गेम को ये रेफर नहीं कर रहा है, बहुत सारे गेम्स इसके कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन अभी आगे जाके पता नहीं चल रहा है। ये ट्वीट के वजह से कुछ ना कुछ तो बम फटने वाला है या फिर नहीं फटने वाला है, क्योंकि ये जो ट्वीट है गाइस, जैसे मैंने आपको कहा, नरेंद्र मोदी जी ने जो है ट्विटर पर डाली है, अभी खुद ने उन्होंने टाइप करके डाली है या फिर उनके पीए वगैरह पता नहीं। आई मीन वी रियली डोंट नो, इनका ट्विटर हैंडल कौन हैंडल करता है, वो पर्सनली खुद यूज करते हैं या फिर उनके कोई ऑफिशियल बंदे वगैरह है। बट यहाँ पे जो है गाइस, कल हमें एक ट्वीट देखने को मिला है, एंड उस ट्वीट में जो है गाइस उन्होंने ऐसा लिखा है, आपको सामने दिखा था। ये तो उन्होंने हिंदी में लिखा है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं जो गाइस आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो यहाँ पे गाइस उन्होंने ऐसा लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन और डिजिटल गेम्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे आर नॉट इंडियन इन कॉन्सेप्ट। यू ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी गेम्स इन दिस आइदर प्रमोट्स वायलेंस और कॉज मेंटल स्ट्रेस। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ पे उन्होंने कहते ना दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट है वो है मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल गेम्स अवेलेबल इन मार्केट टुडे आर नॉट इंडियन इन कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे जो गेम्स है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे ही अभी मैं वही रेफर करूंगा, तो यहाँ पे उनका ऐसा मानना है कि प्ले स्टोर पे जो भी गेम्स है ऑनलाइन डिजिटल गेम्स, वो जो है आज के जमाने में इंडियन कॉन्सेप्ट को मैच नहीं करते। अभी इंडियन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, आई हैव नो आइडिया। एंड देखो गाइस स्टार्टिंग में मैं कह देता हूँ, बहुत सारे लोग ये वीडियो सुनकर मे भी ट्रिगर हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ गालियां दे सकते हैं। वैसे तो मैं कुछ यहाँ पे हेट फैलाने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं किसी भी वीडियो में हेट फैलाता हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। रिसेंटली एक कोई तो मुझे कमेंट आया था किसी एक थंबनेल पे, आई थिंक ये IGN की कुछ, तो मैंने एक मीम भरा कुछ तो एक थंबनेल डाला था, तो उसमें जो है मैंने IGN इंडिया को लिया था, एंड उसमें जो है मैंने इंडिया टेक्स्ट लिखा था, क्योंकि IGN इंडिया, मुझे जो है IGN इंडिया का ऐसे ही एक लोगो नहीं मिला अच्छा वाला, तो इसलिए जो है मैंने IGN के नीचे इंडिया टेक्स्ट ऐड किया, तो वो बंदा जो है भाई ट्रिगर हो गया कि मीम्स में जो है इंडिया का नाम यूज मत करो। मतलब ये मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई यार, मतलब यार कुछ तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखो यार। एंड ऑल्सो गाइज देखो, जो मैं मीम्स ऐड करता हूँ, आई नो कभी कभी रिपीटेटिव हो जाते हैं, बट आपको पता है इट्स यूट्यूब गाइज, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तीन सेकंड्स के कुछ कॉपीराइट कंटेंट के लिए पूरी की पूरी वीडियो का सत्यानाश हो सकता है, तो इसलिए मैं अपनी तरीके से ट्राई करता हूँ कि जितना हो सकता है मैं इनोवेटिव करूँ, अगर कभी कभी नहीं जमता है तो मैं नहीं करता हूँ। बट देखो गाइज, मीम्स डालने का मेन मोटिव ऐसा होता है कि आप जब भी मेरा वीडियो ओपन करे, आपके जो है फेस पे गाइज एक स्माइल आ जाए, ना कि भाई आप वीडियो खोलो एंड वही देखो कि भाई यार गेम लॉन्चिंग टुडे समझ रहे हो ना, आई मीन जस्ट जोकिंग, बट समझ रहे हो ना, मेरा जो मोटिव है वो है जब भी आप मेरा वीडियो ओपन करो, आपके राइट अवे मुंह पे जो है एक स्माइल आए, ना कि यार कुछ ऑलरेडी गाइस आपको पता है इस दुनिया में कितना टेंशन है, आपके पर्सनल कितने टेंशन होते हैं जो कि आप शेयर नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे चंद सेकंड्स जो होते हैं मेरे इंट्रो के, उससे कुछ आपका जो है दिन बन जाए। जैसे मैंने आपको गाइस एवरी सिंगल डे इंट्रो जो है हर टाइम एक ही लेवल का फनी नहीं होता, मैं भी मानता हूं, एंड ऐसे गाइस हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं होता गाइस कि हर टाइम हर सेकंड जो है आपको वही खुशी मिले, कभी हाई होती है कभी लो होती है, वैसे ही होता है गाइस। सो गाइस अगर किसी को भी आपको मेरे जो मीम्स है उससे अगर आप ट्रिगर वगैरह होते हो, तो यार जस्ट मजाक है, जस्ट जोक है। अगर आपको पर्सनली कुछ भड़ास है भाई मेरे ऊपर कुछ मीम्स बनाने, जोक्स बनाने, बनाओ, आई डोंट केयर, इट्स मीम्स, इट्स फनी, दैट्स इट।
हंसो। एंड आई नो गाइस हर चीज़ की एक लिमिट होती है एंड आई होप कि मैं वो लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करता हूँ। अगर कभी कर भी दे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे जो है गाइस ऐसी कुछ तो चीज़ हमें देखने को मिली है एंड इस चीज़ के ऊपर गाइस मैं अभी कुछ यू नो लाइक नेगेटिव चीज़ नहीं कहूँगा किसी को भी, क्योंकि आपको पता है गाइस रिसेंट के डेज में क्या हुआ है, जो भी अपने ओपिनियंस देता है। एंड ऑफकोर्स गाइस जिसने भी वो अपने ओपिनियंस शेयर किए थे गलत तरीके से किए थे, आई नो उसकी गलती थी। बट इन ओवरऑल गाइस आपको पता है एक यूट्यूबर है एंड फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ, लेकिन बहुत सारे जो है मेरे व्यूवर्स जो है कनेक्ट हुए चैनल पे, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ यू नो अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। एंड डेफिनेटली गाइस अगर कोई चीज गंदी है, अगर कोई बैड है, तो मैं वो डेफिनेटली कह देता हूँ मुंह पे, मुझे कुछ डर नहीं लगता। जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है उसके ऊपर मैं बोल देता हूँ। बट यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस ये ट्वीट ने जो है दिमाग हिला दिया, सबका हिला दिया। एंड गाइस उन्होंने सेकंड पैरा में जो लिखा है वो है, यू ऑल्सो नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी गेम्स इज आइदर प्रमोट वायलेंस और कॉज मेंटल स्ट्रेस। तो इसके ऊपर गाइस अभी इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट हो सकता है। आपको पता है प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो कि प्रमोट करते हैं वायलेंस को। एंड मैं बस गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एप्स भी है। अभी एप्स के अंडर कैटेगरी में ऐसे एप्स आते हैं जैसे कि गेम्स खेलो पैसे कमाओ। अरे क्या चुतियापा होता है यार, सच्ची में मेरा दिमाग हट जाता है। एंड उसी एप्स के गाइस बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मेल्स भी आते हैं मुझे कि भाई ये ऐप, अभी मैं ऑफकोर्स ऐप का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अदर यूट्यूबर्स प्रमोट करते होंगे, लेकिन मुझे सच्ची में यार मतलब वो उनके मेल्स में जब देखता हूँ ना, मैं लिटरली रिपोर्ट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं। इतने बकवास होते हैं ना उनके कॉन्सेप्ट कि भाई गेम खेलो पैसे कमाओ, पेटीएम पैसे, पेटीएम मनी। अरे यार सच्ची में ऐसा अगर होता ना भाई साहब, मैं एक साल से गेम खेलते बैठता, मैं यूट्यूब भी बंद कर देता एंड वही खेल के ना पैसे कमाता। ऐसा नहीं होता गाइस। आप भी अगर कुछ ऐसे देखते हो ना भाई साहब, मत अपना जो है मोबाइल उस स्ट्रेस में मत डालो, आपका दिमाग भी उस स्ट्रेस में मत डालो भाई साहब। 5-10 रुपए कमाने के लिए आपको 15-16 एड्स को टारगेट या फिर यू नो बाईपास करना पड़ता है। वैसे ऐप्स को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता भले कितने भी मेल्स आए। एंड ऑल्सो गाइस रही बात अबाउट द मेंटल स्ट्रेस, तो मेंटल स्ट्रेस जो है गाइस ऑफकोर्स ये गेम्स की वजह से नहीं होता, उल्टा तो मैं कहूंगा कि गेम्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम होता है। क्योंकि सीरियसली मैं भी अगर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे एंड मेरे फ्रेंड्स का, मैं जो हूँ दिन में पबजी लाइक ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे खेलता रहता हूँ, मैं जो दिन में बस रात को गेम खेलता हूँ, वो भी क्यों खेलता हूँ, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स है, जो मेरा स्क्वाड है 3-4 जन, वो जो है उसमें से एक बंदा जो है यू नो ऑफिस जाता है, जॉब वाला बंदा है, तो वो जो है रात को आता है गेम खेलता है जस्ट टू यू नो फ्रेश अप सम माइंड, जस्ट एंटरटेन होने के लिए। तो अगर ये पॉइंट यू नो गेम कैटेगरी में आप अप्लाई करने का ट्राई करते हो तो मेरे लिए तो वैसा नहीं है। मेरे लिए मेंटल स्ट्रेस उल्टा कम होता है जब मैं गेम्स खेलता हूँ, जब मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ गेम्स खेलने के साथ। तो फॉर मी मेंटल स्ट्रेस इट्स नॉट रिलेटेड विद द गेम्स। एंड यस मेंटल स्ट्रेस जो है ऐसे ऐसे गेम से होता है जैसे कि गैम्बलिंग गेम। एंड सच्ची कह रहा होगा इस प्ले स्टोर पे अगर ये फिल्टर करने जाए ना गवर्नमेंट, प्ले स्टोर पे जो एप्स है गेम्स है ये अगर अच्छी तरीके से फिल्टर करे जाए ना, तो लिटरली कह रहा होगा इस इंडिया में से ना 100 में से 80 एप्स ना बैन हो जाएंगे। सीरियसली बैन इन द सेंस इतने बकवास है, कुछ काम के नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा गेम खेलो पैसे कमाओ, वैसे कुछ तो स्कीम के एप्स होते हैं जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करते, बस उसमें जब भी आप इंस्टॉल एंड ओपन करोगे ऐड से भरा होगा, हर एक क्लिक करो ऐड आएगा, हर एक क्लिक करो ऐड आएगा, तो वैसे ही जो है गाइस वो लोग पैसे कमाते हैं। एंड रही बात अबाउट द गैम्बलिंग वाले ऐप, जैसे आपको पता है यू नो 3 पत्ती, पोकर, रमी, वो गैम्बलिंग एप्स नहीं है यार। उससे तो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता होगा, क्योंकि उसमें जो है आप रियल पैसा डाल रहे हो एंड दैट्स नॉट हॉबी गाइस, वो कुछ हॉबी नहीं है, वो गैम्बलिंग है, क्योंकि आप पैसा डाल रहे हो पैसा कमाने के लिए, पैसा डबल करने के लिए। एंड रही बात गेम्स की, तो गेम्स में अगर आप पैसा डालते हो तो इट्स बिकॉज ऑफ द सम कॉस्मेटिक स्टफ, यू नो किसी स्किन के लिए या फिर कुछ एक रॉयल पास के लिए, किसी बैटल पास के लिए, सीजन पास के लिए, वैसे के लिए। ऐसा नहीं कि यू नो लेट्स टेक एग्जांपल BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो तो आप वो दिमाग से तो नहीं डाल रहे हो ना कि 100 रुपए डालोगे तो आपको 500 रुपए मिलेगा। इट्स नॉट गैम्बलिंग, इट्स जस्ट फॉर फन। आपकी हॉबी है गेम खेलना, आपको अच्छा लगता है, गेम के जो स्किन्स है वो आपको चाहिए, इसलिए आप पैसा डाल रहे हो। लेकिन रही बात अबाउट द गैम्बलिंग स्टफ, 3 पत्ती पोकर, तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि आप 100 रुपए डाल रहे हो तो आपको भाई कुछ तो एक, अभी पता नहीं मैं कभी को पर्सनली खेला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं ना आपको गेम कुछ दे रहा है, आपको गेम जो रिटर्न में दे रहा है वो पैसा है। मतलब 100 रुपए डालोगे तो 500 मिलेगा एंड 500 मिलेगा मतलब हर टाइम 500 नहीं मिलेगा, अगर आपने 100 रुपए डाला वो 100 का 100 चला भी जाता है। तो दैट्स रियली अ मेंटल स्ट्रेस रादर देन वीडियो गेम्स और डिजिटल गेम। तो मैं जो गाइस ये जो ट्वीट उन्होंने डाला है, मैं सच्ची कहूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ये ट्वीट का कुछ भी मतलब नहीं समझा। फॉर मी दिस ट्वीट इट डजंट मेक एनी सेंस। अब ये मेरा ओपिनियन है एंड गाइस ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस है, मैं आपको यहाँ पे सामने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे जो है गाइस ये जैसे उन्होंने ट्वीट डाला है, तो आई थिंक विशाल गोंडल जी जो है आपको पता है
फौजी के, अभी मुझे फौजी के क्रिएटर नहीं कहूंगा, फौजी के इन्वेस्टर वैसे जो है, तो उन्होंने भी एक ट्वीट जो है या फिर रीट्वीट की एंड उन्होंने जो है ऋषि अलवानी को उसमें टैग किया या फिर उसमें इंक्लूड किया। अभी आपको पता नहीं है ऋषि अलवानी कौन है, तो ऋषि अलवानी वो बंदा है या फिर वो एडिटर है जो IGN पे काम करता है एंड जिसने रिसेंटली जो है एक पोस्ट डाली थी रिलेटेड अबाउट द लाइक BGMI ट्रांसफरिंग डेटा टू चाइना कंट्री एंड ऑल द स्टफ, तो वो वाला बंदा है। तो यहाँ पे जो है गाइस विशाल कौंडल ने उसे ट्वीट में इंक्लूड करके ऐसा रेफरेंस किया एंड एक बंदे ने जो है, मैं आपको सामने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आप पढ़ लो, तो उसमें जो है गाइस उनका कैप्शन ऐसा था कि सेम वाइन सेम बॉटल डिफरेंट लेबल विल टेस्ट द सेम इवन लेबल मैन्युफैक्चर इज सेम एंड कॉट रेड हैंड। उनका ओवरऑल ऐसा मानना है कि जो BGMI है वो भी PUBG मोबाइल की तरह ही है, बस उसका जो नाम है वो चेंज किया। अरे भाई समझता हूँ नाम चेंज किया लेकिन पॉलिसीज भी तो चेंज किए ना, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के वो लोग स्कीम कह रहे एंड उन्होंने गाइस रिसेंटली एक न्यू पोस्ट भी डाली जिसमें उन्होंने डिटेल में कहा एंड उन्होंने इसलिए वो पोस्ट डाली क्योंकि उनको यही सब प्रेशर जो है वो सब तरीके से आ रहा है। आपको पता है बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इन चीज के ऊपर वीडियोस बनाते हैं BGMI बैन कंफर्म वगैरह, तो इस वजह से जो है गाइस क्राफ्टन ने भी जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया एंड ऑफिशियली रिस्पॉन्स इसके ऊपर किया है कि भाई ऐसा नहीं है, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी यू नो जो डाउट है, जो मिसकंसेप्शन है रिलेटेड अबाउट द डेटा ट्रांसफर टू चाइना एंड ऑल द स्टफ, वो सब उन्होंने क्लियर कर दिया। तो मुझे पता नहीं चल रहा है अभी फिर भी यू नो कहीं कहीं से ये अभी क्या कहेंगे यार, मतलब इसे पिंच क्यों किया जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या इसकी यही स्पेसिफिक गेम को पिंच क्यों किया जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी है, फ्री फायर है एंड दूसरी भी बहुत सारी शूटिंग गेम्स है, लेकिन नहीं BGMI को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही। जो भी है गाइस अगर आपके दिमाग में इसका कुछ सवाल है कि भाई BGMI को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना एंड ऑल्सो जरूर बताना आपके थॉट्स इन चीजों के ऊपर। अभी मैंने तो पर्सनली आपको कह दिया कि जो मोदी जी ने ट्वीट की थी उसका तो मुझे कुछ लिंक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है वगैरह, तो मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए मेंटल स्ट्रेस गेम से बढ़ता नहीं है, उल्टा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। सीरियसली कह रहा हूं, मैं जब भी डिप्रेस होता या फिर एक लाइफ में आता है यार, मतलब कुछ आपको दिन में ना कभी कभी समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, बहुत बहुत डिप्रेस हो जाते हो, बहुत डाउन फील हो जाते हो, तो उस टाइम जो है मैं पर्सनली PC ऑन करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, दैट्स इट। सो फॉर मी गाइस गेम्स आर नॉट अ मेंटल स्ट्रेस, दोज आर मेंटल रिलीफ, रिलीफ करने वाली चीज है। सो बस गाइस इतना है आज के इस वीडियो में, ज्यादा कुछ ज्ञान दे दिया मैंने, बट ऐसी वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ एंड आपके भी ओपिनियंस है वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आपका क्या स्टैंड है इन सब चीजों के ऊपर एंड आगे जाके और भी अगर कुछ न्यूज आती है रिलेटेड अबाउट दिस स्टफ, और भी अगर कुछ ट्वीट वगैरह आती है सीरियस ट्वीट, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक करो एंड अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगली वीडियो में। And take care and bye bye. Thanks for watching. So please whatever. I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakara. Sarapakara. Sarapakara.